एवरीवन, दिस साइड रोहित राठौर एंड यू आर वाचिंग अपनी कक्षा फॉर कॉमर्स। यार आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि आज किस बारे में बात करने वाले हैं। यार एक्चुअली साइंस एक वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड जॉब होती है, एक ऐसा प्रोफेशन होता है जो हम कॉमर्स वालों के लिए हाईएस्ट पेड जॉब और एक अच्छा प्रोफेशन हो। कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि भैया आप एक्चुअली साइंस के बारे में भी कुछ बताइए, तो यार मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था। हाँ पता था ऐसे कुछ प्रोफेशन होता है, बाकी मैंने इसकी सारी डिटेल्स कुछ चीज़ें मैंने भी एनालाइज की, काफ़ी रिसर्च करने के बाद यार सारी चीज़ें नोट डाउन किए। कुछ दिन लगे मुझे, क्योंकि यार आपको सारी राइट इन्फॉर्मेशन देना ही मेरा एक मोटिव होता है, क्योंकि यार मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था, पर मैंने एक रिसर्च की है उसके बारे में सारी चीज़ें निकाल कर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यार एक्चुअली साइंस एग्जैक्टली में होता क्या है, आज हम इसी के बारे में सारी बातें करेंगे। पर एक्चुअली साइंस एक एनालिटिक्स, यानी जो हमारी जॉब्स वगैरह होती है एनालिटिक्स में, यानी जो भी चीज़ें होती हैं डाटा से रिलेटेड, या साइंस इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, फीस क्या होती है, इसमें कोर्सेज क्या होते हैं, हमें काम क्या करना होता है, हमारी जो इनकम होती है वो कितनी हो सकती है इसी चीज़ में, तो आज ये सारी बातें हम करने वाले एक्चुअली साइंस। तो इस कोर्स को आप कंप्लीट करने के बाद एक्चुअल में बनते क्या, तो इसके बाद जो आप बनते हैं उसे एक्चुअली कहते हैं। अभी एक्चुअली होता है क्या है, जो एक्चुअली होता है ये करता क्या है, जो एक्चुअली होता है ये स्टेटिक्स और डाटा एनालिटिक्स पे काम करता है। जो भी सारे डाटाज होते हैं, जो मतलब डाटाज इन द सेंस जो भी पब्लिक के डाटाज होते हैं, जो भी स्टेटिक्स होता है मार्केट में बिजनेस में, उन सभी की स्टडी करना एक काम होता है। सर इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि इसकी फीस बहुत कम होती है और इसमें जो आपको इनकम होती है वो काफ़ी तगड़ी है। मैं इनकम लास्ट में बताऊंगा आपको। और पर यार इसमें एक चीज़ है, इसकी एग्जाम्स होती हैं वो काफ़ी तगड़ी होती है, इन्हें हर कोई नहीं फोड़ सकता। इट इज़ नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। यार मतलब हर जिस बंदे को अपना मैथ्स में या स्टैटिक्स में जो ज़्यादा अच्छा है वही इन चीज़ों को कर सकता है। अगर आप एक्चुअली बनते हैं तो यार अपने अगर आप 20s में स्टार्ट करते हो तो आप अपने 40s से पहले अगर आप रिज़ाइन भी करते हैं या फिर कहें रिटायर होते हैं तो आप काफ़ी लग्जरियस लाइफ उसके बाद भी जी सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा होता है, हाईएस्ट पेइंग जॉब में होती है अगर आप सर्च करेंगे तो, क्योंकि मोस्ट डिमांडिंग है 21st सेंचुरी, क्योंकि अभी सारी चीज़ें डाटा एनालिटिक्स से चलती हैं, क्योंकि आपके पास जितना कंज्यूमर का डाटा होगा उतना ही बढ़िया आपकी कंपनी वगैरह परफॉर्म करेगी और आप उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो इसलिए एक्चुअली की जो डिमांड है 21st सेंचुरी में करंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न एलिजिबिलिटी वगैरह की, तो एग्जाम पैटर्न इसका कुछ इस टाइप से, इसको आप इन इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दो अलग अलग एसोसिएशन के साथ कर सकते। जो इंडियन है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज ऑफ इंडिया है, और वहीं एक यूके का या फॉरन भी बोल सकते हैं उस इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज होता है। ये दोनों अपने सेपरेट सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, दोनों की लगभग एग्जाम सेम होती है बाकी, पर हम एक बार सारी चीजें के थ्रू जाएंगे ताकि आप लोगों को एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग हो। इसके लिए आपको एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती है जो 12th क्लास होती है आपकी, 12th चाहे कॉमर्स या साइंस के ऊपर। अगर आप यूके के लिए जाते हैं या फॉरन के लिए जाते हैं आपको मैथ्स मस्ट है विथ 85%। अगर आप इंडिया में दे रहे हैं तो मैथ्स मस्ट नहीं है, बाकी आपको मैथ्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, स्टैटिक्स का अच्छा नॉलेज होना, आपको नंबर्स के साथ खेलते आना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअली है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं आपको यहाँ डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये रियलिटी, आपको जो आगे जाके काम ही नंबर्स के साथ करना है। अगर आप मैथ्स के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। आपको इंग्लिश बढ़िया होनी चाहिए आपकी, ठीक ठाक इंग्लिश, बाकी अगर मैथ्स में आपकी पकड़ अच्छी है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं इसमें। सबसे पहले आपको एक बेसिक एग्जाम ACET देनी होती है, इसको क्लियर करने के बाद आप अपने नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं। इसमें कम से कम इसके बाद 4 लेवल हैं जिसमें 15 अलग अलग पेपर्स होते हैं, आपको आप क्लियर करें या ना करें इसके आपके ऊपर है, बाकी इसमें बीच में भी आपको जॉब्स मिल सकती है। एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम हर साल में 2 बार होती हैं और एग्जाम्स में 4 लेवल होते हैं और हर 4 लेवल्स में अलग अलग टाइप के पेपर हैं। टोटल आपको 15 पेपर्स क्लियर करने होते हैं अगर आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट पैकेज चाहिए होता है ना, जो टॉप पैकेजेस जाते हैं जो 15 एग्जाम को क्लियर करते हैं उन्हीं के टॉप पैकेजेस जाते हैं। अगर चारों लेवल्स की बात करें एक एक करके, तो यार पहला लेवल है कोर टेक्निकल सीरीज होती है, इसमें आपको कुल 9 पेपर्स होते हैं, सारे आपको कंपलसरी देने होते हैं। उसी के बाद अगर सेकेंड लेवल की बात करें, जो नेक्स्ट लेवल होता है वो कोर एप्लीकेशन सीरीज होता है, इसमें 3 पेपर होते हैं, तीनों कंपलसरी होते हैं आपको देने। इन 12 पेपर्स को क्लियर करने के बाद आप एसोसिएट मेंबर ऑफ AIA बन जाते हैं। इसी के बाद आपके जो नेक्स्ट 2 लेवल हैं, अगर आप इन्हीं के बाद जॉब सर्च करते हैं तो आपको अच्छा खासा 7-8 लाख का पैकेज मिल जाता है कई जगह पर। अगर इसके बाद बियॉन्ड 3rd और 4th लेवल भी क्लियर करते हैं तो आपका पैकेज 50 लाख से 1 करोड़ तक जा सकता है। ये हाईएस्ट पैकेज होते हैं इंडिया में, मतलब 50 लाख मिनिमम अगर आप इन चीज़ों को क्लियर करते हैं, 4th लेवल तक अपने सारे 15 पेपर्स क्लियर करते हैं तो। उसी के बाद अगर 4th लेवल पर आए, स्पेशलिस्ट टेक्निकल स्टेज होता है, इसमें आपके पास 9 पेपर्स होते हैं, उसमें से आपको चॉइस होती है, आपको 2 पेपर क्लियर करने होते हैं। उसी के बाद अगर 4th लास्ट लेवल पे होता है जो स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन स्टेज होता है, आपके पास 6 पेपर्स होते हैं, उसमें से आपको कोई एक पेपर चूज करना होता है और उसे क्लियर करना होता है।
इन चारों स्टेजेस को क्लियर करने के बाद आप फेलो मेंबर ऑफ आईएआई हो जाते हैं, जिसके बाद आपके पैकेजेस, आपके जो पैकेज है वो मिनिमम 20-30 लाख से 1 करोड़ तक, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। क्योंकि यार जैसे आप कंपनी वर्क करती है, आप जिस टाइप से कंपनी को काम करके दोगे, आप जिस प्रकार से आपकी एलिजिबिलिटी, जितना अच्छा आप काम करोगे उतना हाइएस्ट आपका पैकेज होगा। फाइनली अगर फी की बात करें, आपको ये पूरा कोर्स यानी चारों लेवल्स अगर क्लियर करने हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको 1-2 लाख सारे कोर्सेस, अगर आप विद इन मटेरियल्स और आपके सारे एक्सपेंसेस अगर आप कोचिंग लेते हैं तो उन सबको मिला करके 1-3 लाख तक जाएगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि यार ये इसमें ज़्यादा आपको सिर्फ एफर्ट्स लगाने होते हैं, अगर आपने सारे पेपर्स क्लियर कर लिए तो आपके इसमें ROI बहुत ज़्यादा। अगर आप UK और फॉरेन की बात करें तो ये 6-7.5 लाख तक चले जाता है मैक्सिमम, इतना आपका एक्सपेंस होता है यानी फी। आपको अगर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, एक्चुअली साइंस की स्टडी कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों के लिए, अगर आप एक्चुअली साइंस के लिए जा रहे हैं, अगर नंबर के साथ कंफर्टेबल हैं, आप मैथ्स आपके लिए कप ऑफ टी है तो आप बिल्कुल जाइए। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं है तो आपको आपके लिए एडवाइस है कि आप इस चीज़ को ना करें। अगर आप कर भी रहे हैं तो कई लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको यहाँ डिमोटिवेट नहीं कर, कई लोग ऐसे होते हैं जो बीच में छोड़ देते हैं, यानी सेकेंड लेवल के बाद, थर्ड लेवल के बाद छोड़ देते हैं, तो इसके साथ अपना बैकअप ऑप्शन जरूर रखें यार। क्योंकि एनालिटिक्स अगर आपका बीच में मन नहीं हुआ तो अगर अपना एक ग्रेजुएशन लेवल अपना एक अलग से रखें, क्योंकि यार मिनिमम ग्रेजुएट हो, आप दूसरी डिग्रीज भी पैरेलली कर रहे हो जहाँ आप वर्क कर सको, अगर बाद में आपका मन ना हो या फिर पैरेलली आपका अगर इंटरेस्ट ना हो इसमें बाद में, तो आप अपना प्लान बी रेडी रखें। इसी के साथ में प्लान बी अगर आपका रेडी रहेगा तो आपके फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज, अगर आप एक्चुअली छोड़ते भी हैं, अगर इसका जो आपने ड्रीम लिया था वो छोड़ते भी, तो उसके बाद भी आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे। एक्चुअली साइंस के फील्ड में काफ़ी सारे स्कोप है, इसमें आपका हाईएस्ट पैकेज होता है, पर आपको बस अपने इंटरेस्ट के ऊपर, अगर आपको इंटरेस्ट है मैथ्स में, एस्थेटिक्स में, आपको नंबर्स के साथ कंफर्टेबल है तो आप इस चीज़ के लिए जा सकते हैं और आपको जाना भी चाहिए, ये आपके लिए फील्ड। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं है, आपको एस्थेटिक्स या फिर नंबर्स के साथ खेलना पसंद नहीं है, तो यार आपको अपने साथ प्लान बी लेकर चलना चाहिए। आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, पर प्लान बी अपने साथ दूसरी जो ग्रेजुएशन डिग्रीज है, बेसिक ग्रेजुएशन डिग्रीज, ताकि आपको फ्यूचर में इन प्रॉब्लम ना आए अगर आप छोड़ना भी चाहें एक्चुअली साइंस को। तो मेनली यार ये सारी चीज़ थी, और यार आप लोगों ने जो शॉर्ट ट्रिक्स है उन्हें बहुत यार सपोर्ट किया है, शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपलोड किया यार अपने यूट्यूब चैनल पे, उस पर आप लोगों का बहुत काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। आप अपने जो भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी शेयर करें यार, मेरा एक ही एम है कि आप लोग चीज़ों को समझ कर, उन्हें अच्छे से एनालाइज करके पढ़ें और अच्छा स्कोर करें अपने 12th में, अपने 11th में। तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा, आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू।